मैंने दूसरी कुंजी खोजने से देबू को भटका दिया है, लेकिन अब मुझे उसके वापस आने से पहले उसे ढूंढना होगा। इस यंत्र की रोशनी स्थिर हो रही है, इसका मतलब वो दुर्लभ कुंजी मेरे ही आसपास है कहीं। परियों का बैकअप प्लान थे तुम और मम्मीज का बैकअप प्लान हम हैं। और अब इस परी को हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। माँ आप ज्वाला परी का ख्याल रखिए, मैं उनका पीछा करता हूं। अचानक कहाँ चले गए? एमआईआर को डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे वो एलिमेंट जल्द ही ढूंढना होगा। माया को खत्म करने का एलिमेंट मशाल और तेल लगता है वो यहीं पर है। ये क्या सीन है? बाहर तो ऑयल और मशाल का सिंबल था, लेकिन अंदर वेपन्स। ओह गॉड, हिमाया जिंदा हो गया है, इसलिए उसके सारे हथियार भी जिंदा हो रहे हैं। अगर मैंने इस काली शक्तियों वाले ताज को जल्द ही नहीं जलाया तो हिमाया अपनी मौत की फौज को फिर से जिंदा कर देगा और फिर उसे हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आखिर पूरा शवों के पास इतनी सारी जादू शक्ति आई कहां से कि उन्होंने एक खुफिया द्वार बना लिया? इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है बालवीर, मिस्र का शक्तिशाली सम्राट माया जाग चुका है। लेकिन उसे जगाया किसने? इन सारे सवालों का जवाब हमें उन शुंडाकार स्तंभों में मिलेगा। ये तो तय कि तिमनासा ने ही विवान को अगवा करवाया है। माँ परियो, मैं मिस्र की धरती पर जा रहा हूँ, तब तक आप सब मिलकर यहाँ भारत नगर में नजर रखिएगा और कुछ भी होने पर मुझे तुरंत सूचित करिएगा। नतन मुखलिसा। हाँ हाँ मैं जानता हूँ,
कि उन लोगों के पास जादुई शक्तियां हैं, लेकिन तुम लोग भी योद्धा हो, और एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत उसका हथियार होती है। इसलिए अपने हथियार पर भरोसा करना सीखो। फली आखिरी मणि खत्मा। बस मुझे और बहाने मत बताओ, जाओ और जाकर अपने सिपह सलार समजमा के लिए खाने का इंतजाम करो, क्योंकि अगर तुम उसके खाने का इंतजाम नहीं कर पाए तो समजमा तुम्हें ही निकल जाएगा। जाओ। जो भूषण जी। बाकी के हथियार तो दीवार से टकराकर नीचे गिर जा रहे थे, क्योंकि यहाँ की दीवार पत्थर से बनी है, लेकिन फिर ये चाकू इस दीवार के अंदर कैसे घुस गया? पूरी तरह से भस्म करने वाली तीन वस्तुएं इसी पिरामिड के हजार कमरों में से किसी तीन कमरों में रखी हुई है। यस, मशाल तो मिल गई, लेकिन तेल कहाँ है? यस, तेल भी मिल गया और मशाल भी मिल गई। हिमाया, अब तुम्हारा गेम ओवर। यहाँ पर तो केवल तीन शुंडाकार स्तंभ थे, फिर ये इतने सारे कैसे हो गए? अब मैं ये कैसे पता लगा कि हिमाया ने इनमें से किसमें विवान को कैद करके रखा है? जब तक तुम असली और नकली का फर्क समझ पाओगे बालवीर, तब तक मैं वो दुर्लभ कुंजी ढूंढ लूंगी। लगता है मैंने वो कुंजी ढूंढ ही ली। खुशी, हाँ? तूने लिस्ट अच्छे से चेक कर लिया ना? कुछ लेना भूल तो नहीं गए हम लोग? नहीं नहीं मम्मी, मैंने पूरी लिस्ट डबल चेक की है। हमने ऑलमोस्ट सब कुछ ले लिया है, बस थोड़े से करी लीफ लेना बाकी है। हाँ, वो तो छेड़ा जी की दुकान से मिल जाएगा। क्या हुआ मम्मी, छेड़ंकर की दुकान तो आ गई है, तो फिर पीछे क्या देख रहे हो? मुझे लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है। कोई नहीं, चल। कौन हो आप? जमजमा को किया वादा, खाना लाएंगे बहुत ज्यादा। तिमनासा ने ये जाल बिछाया है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं शुंडाकार स्तंभ के अंदर जाकर उस दुर्लभ कुंजी को हासिल करूं और विवान को बचाऊं।
लेकिन अब मैं इस जाल के अंदर जाकर विवान की जान कैसे बचाऊं? आखिर वो है क्या? खुशी, ये खुशी इतनी डरी हुई आवाज में मुझे क्यों पुकार रही है? पारी, हेल्प! बालवीर, पारी! तो वापस आ गए तुम लोग अपनी खातिरदारी करवाने। मेरी बारी। तुम लोगों ने मेरे परिवार पर हाथ डालकर अच्छा नहीं किया। द्रोक, ये मेरी शक्तियां मुझ पर ही इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब इसके पास अपनी शक्तियां नहीं है। हाल या दाकुछ? ये तो पक्का पता चल गया कि इन पूरा शवों के पास कोई जादू शक्तियां नहीं है, वरना ये अब तक उसका इस्तेमाल कर चुके होते। अब तुम मुझे शुंडाकार स्तंभ के अंदर जाने का रास्ता बताओ। अरे किसी गीले कपड़े की तरह क्यों सुखाने टांग दिया मुझे यहाँ? अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए चीखते हुए बुरे दानव की चिंगारी ढूंढना। लेकिन वो चिंगारी मुझे मिलेगी कहाँ? बल्कि यहाँ तो आसपास मुझे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। आज तो इस क्राउन से तरह क्लाउन बनाता हूँ। हाँ जा। ओ, ये लगा सिक्सर। अब हुआ ना ये मैच बराबर का। बालवीर, जल्दी से पूछो कि ये लोग पिरामिड किस रास्ते से आते जाते हैं और करुणा जी और खुशी को कहां लेकर गए हैं? तो बताओ यहां से मिस्र जाने का खुफिया रास्ता कौन सा है?
ये ऐसे नहीं मानेगा। सच सच बताओ कि करुणा जी को और खुशी को कहाँ लेकर गए? जल्दी जल्दी बताओ मम्मी कि तुम्हारा प्लान क्या है, वरना मैं तुम्हें पापा के पास भेज दूंगी। चलिए, वो हमें रास्ता दिखा रहा है। अगर ये लोग पोर्टल के तो पिरामिड में पहुंच गए तो कोई तमाशा गेम एंड हो जाएगा। ऐसा हम होने नहीं देंगे रे। मम्मी शायद उसी दिशा में गया है, चलो। लेकिन रेवर भैमार, उनके बारे में हम बाद में सोचेंगे। पहले हमें पूरा शो का पीछा करना होगा, क्योंकि वो करुणा जी को और खुशी को अपने साथ लेकर गए हैं। चलिए। सालार जमजमा, आपकी भूख मिटाने के लिए पेश है ये भोजन। खवाम जिदान, खवाम। विवान, विवान, विवान बेटा, विवान, विवान, विवान उठ बेटा, विवान उठ ना प्लीज, विवान, विवान। माँ, माँ, खुशी दीदी, आप लोग यहाँ कैसे आ गए? विवान, हमें वो मम्मी से आप लेके आए हैं। मुझे कुछ भी करके इन मम्मी से वो ताज हासिल करना ही होगा। ए जमजमा, तुम मेरी फैमिली को कुछ नहीं करोगे। अगर तुम्हें खाना ही है तो मुझे खा लो। ज़दमिंजुरा। देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अरे यार, ये इतनी जोर से क्यों चिल्लाता? ट्रांसलेटर ने बताया था कि हिमाया के ताज को जलाने के लिए तीसरा एलिमेंट होगा चिंगारी। उस ताज को पूरी तरह से भस्म करने वाली तीन वस्तुएं इसी पिरामिड के हजार कमरों में से किसी तीन कमरों में रखी हुई है। इसका मतलब जमजमा ही है वो चिंगारी। रोशनी का रंग नीला हो गया है, यानी कि वो दुर्लभ कुंजी यहीं कहीं है।
यानी वो दुर्लभ कुंजी ऊपर की तरफ है और ऊपर तो पिरामिड का शिखर है। शक्तिपुंज की इस लड़ाई में तिमनासा की जीत का एहसास हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा। धरती लोक की सुरक्षा के लिए बालवीर को वो दूसरी दुर्लभ कुंजी प्राप्त करनी ही होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।